हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी महासंग्राम क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। ये है वीडियो का पार्ट 7 है, ठीक है। इससे पहले 6 वीडियो रिलीज हो चुकी है और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है बायोलॉजी, ओके, बायोलॉजी के नाम से। और ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, पीपीएससी और जेपीएससी स्टेट, स्पेशली फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन, फॉर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें हम लोग वी आर गोइंग टू कवर मोर देन 1500 क्वेश्चन। तो अभी तक अराउंड 360 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं हम लोग, और आज चलिए आगे वीडियो को करते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में हमारा ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इस वीडियो के। तो फर्स्ट लिंक है वो टेलीग्राम का है, ज्वाइन करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 361 है ये, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ब्रेकफास्ट सीरियल्स आर न्यूट्रिएंट डेंस। तो इसमें करेक्ट होगा ऑप्शन 2 जो है वो सही होगा, ठीक है। होल सीरियल cereals, whole cereal grains and pulses are more nutritious. Whole, okay? So option 2 is correct. Sahi hai. Now, agla question dekhte hain. Which the vitamin most readily destroyed by heat, jo ki bahut aasani se heat se destroyed ho jata hai. To wo kaun sa vitamin hai? Option 1, riboflavin, ascorbic acid, tocopherol, thiamine. To iska correct answer kya hoga? That is ascorbic acid, vitamin C, ठीक है। तो आप जब देखते होंगे एप्पल को आप कट करते हैं तो आपको रेडिस रेडिस उस पर दिखने लगता है, दैट इज द डिकम्पोजिशन ऑफ विटामिन सी के कारण होता है, ओके, दैट्स व्हाई दैट इज इजीली डिस्ट्रॉयड, ओके। नाउ अगला क्वेश्चन 363, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैक्सीन, फर्स्ट बीसीजी, एंटी रेबीज, पोलियो वैक्सीन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो इसमें कौन सा इस वैक्सीन नहीं है, इसमें ऑब्वियसली प्रोजेस्टेरोन, दिस इज नॉट ए वैक्सीन, दिस इज अ हार्मोन, ओके। ये वैक्सीन है टेटनस, तो वायरस होने वाला इसमें कॉमन कोल्ड है, ऑप्शन 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ एमोबा का लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 365, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका स्यूडोपोडिया, सीडोपोडिया जो होता है ना, मेन लोकोमोटरी ऑर्गन इन एमोइबा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है 366, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, कितने क्रोमोसोम, टोटल 46। तो ऑप्शन 2 जो है वो सही है, ठीक है, 46 और 23 पेयर बोल सकते हैं आप, ठीक है, 23 पेयर और नंबर टोटल 26, ओके। नाउ अगला क्वेश्चन 360, एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड, ब्लड प्रेशर को जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करते हैं ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, ओके। क्वेश्चन नंबर 360, वो एक इंपॉर्टेंट स्फिग्नोमैनोमीटर, ओके, ऑप्शन 3 जो है सही आंसर है। नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं 368, ओके, द टर्म आरएच फैक्टर रिफर्स टू, आरएच फैक्टर क्या होता है, रिशियस फैक्टर, रूमेटॉइड फैक्टर, रीनल फैक्टर, रोम्बिक फैक्टर। तो इसमें 368 कौन सा होगा, गेस कीजिए, this is rhesus factor, okay, rh factor ko bolte hain, to option first iska sahi hai. Now agla question number 316, the discoverer of penicillin ki khoj kisne ki thi, alexander fleming, option 2 jo hai uska correct answer hai ye, alexander fleming ne. Now question 3, blood group jo hai kiske dwara discovered kiya gaya tha, that is landsteiner, option 2nd ye sahi hai, theek hai, important one. चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 371, द एनिमल विच कैन टॉलरेट मोर समर हीट इज, इनमें से बफेलो, काउ, गोट और डंकी, इनमें से कौन सा जो एनिमल है जो कि टॉलरेट कर सकता है, ज्यादा सह सकता है गर्मी, ओके। क्वेश्चन नंबर ये 371, तो इसका आंसर क्या होगा है, गोट, ऑप्शन 3, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, लॉन्ग नेक इन जिराफ ये कैसे हुआ है, वो कारण क्या है। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट है, एरोज बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट अटेम्प्ट टू रीच लीव्स ऑन द टॉल ट्री एंड जनरेशन आफ्टर जनरेशन।
ये सही लग रहा है, ठीक है और ऑप्शंस पढ़ लेते हैं ना। ऑप्शन सेकंड बोलता है डू नॉट गिव देम एनी स्पेसिफिक एडवांटेज एंड जस्ट एन एक्सीडेंट, दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, गिव देम एडवांटेज इन फाइंडिंग फूड बिकॉज ऑफ दिस नेक लॉन्ग सर्वाइवर, ये भी सही नहीं है ना। फोर्थ वाला है इज द रिजल्ट ऑफ द स्पेशल वेदर प्रिवेलेंट इन द अफ्रीकन सवाना, नहीं ये भी गलत है। ओके, तो ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट होगा, ठीक है ऑप्शन वन, दिस इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन 373 देखते हैं। रिकेट्स इज द डिफिशियंसी डिजीज ऑफ विटामिन डी इन विच द एफेक्टेड पार्ट इज, विटामिन डी से होता है रिकेट्स, ठीक है क्या होता है इसका एफेक्टेड पार्ट, स्किन हेयर बोन एंड ब्लड, इट्स बोन, ऑप्शन थ्री करेक्ट है बोन। नाउ नेक्स्ट 374, डार्विन फ्रेंचीज रिफर टू ए ग्रुप ऑफ फर्स्ट एनिमल फिशेज लिजार्ड बर्ड्स एम्फीबियंस, तो इसका आंसर क्या होगा, इट्स ए बर्ड्स, ऑप्शन थ्री सही है। नेक्स्ट द ड्राइड फ्लावर्स बर्ड आर यूज एज ए स्पाइस इन किसमें, फर्स्ट कैरेट कार्डमम सिनामोम क्लोव्स सैफ्रॉन, तो इन चार ऑप्शन में से क्या होगा वेरी इंपॉर्टेंट 375, एड इज क्लोव्स, क्लोव्स ओके ऑप्शन थ्री सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 376 बोलता है द टिश्यू इन मैन वेयर नो सेल डिविजन ऑकर आफ्टर बर्थ इज, वो कौन सा टिश्यू है, और स्केलेटल पार्ट है, नर्व्स है, कनेक्टिव और जर्मिनल, ओके तो दैट इज ऑप्शन टू नर्व सेल, एक बार जो जन्म से बन जाता है बॉडी में ये दोबारा रिप्लिकेट नहीं होता है, ठीक है ये सेल डिवीजन इसमें नर्व सेल्स में नहीं होते हैं। 376 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके आप इसको कर लीजिए। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 377, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट पेरेंट्स रेपिस्ट थीप्स ऑल ऑफ द अबव, यस इट्स ऑल ऑफ द अबव, सभी में, तो ऑप्शन फोर जो होगा ये सही है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके 378 देखिए, द नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ह्यूमन ब्लड इज, 378 का नॉर्मल ह्यूमन ब्लड कितना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होता है नॉर्मल 180 टू 200 mg, ठीक है ऑप्शन डी जो है वो सही है। नाउ अगला क्वेश्चन है 379, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर वार्म ब्लडेड एनिमल, इनमें से वार्म ब्लडेड एनिमल कौन से हैं, व्हेल, व्हेल्स, व्हेल शार्क, एलिट्स, ड्रैको, तो इसमें ऑप्शन सही है व्हेल्स, ओके ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, Syrinx is the voice box in amphibian, reptiles, birds or mammals. 380, very important question. It's in birds. Syrinx किस में होता है? वो bird में होता है। चलिए अगला question 381. In a food chain, solar energy utilized by plant is only कितना percent solar energy food chain में utilized होता है? ठीक है question number 381. Note down कर लीजिए, बहुत important question है। ठीक है 10% 1.1% 0.01% कितना, इसमें 0.1% होता है, ठीक है 381 ऑप्शन 3 करेक्ट है 0.1%, आप रिमेंबर दिस इंपॉर्टेंट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 382, व्हिच इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑन अर्थ, अभी तक में इनमें से लार्जेस्ट फर्स्ट इमू, ऑस्ट्रिच, एल्बाट्रॉस और साइबेरियन क्रेन, तो इसमें कौन सा होगा, ऑस्ट्रिच, कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया, ओके तो ऑप्शन 2 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कोरिएंडर द यूजफुल पार्ट्स आर, कोरिएंडर का यूजफुल पार्ट्स क्या होता है, फर्स्ट रूट्स एंड लीव्स, लीव्स फ्लावर, लीव्स ड्राइड फ्रूट्स और फ्लावर्स एंड ड्राइड फ्रूट्स, तो इसमें लीव्स एंड ड्राइड फ्रूट्स, ओके ऑप्शन 3 करेक्ट है इसका। नाउ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 384 बोलता है द व्हिच प्लांट इज कॉल्ड हर्बल इंडियन डॉक्टर, फर्स्ट अमला, मैंगो, नीम, तुलसी, इट्स फर्स्ट अमला, इट इज कॉल्ड एज हर्बल इंडियन डॉक्टर, 384 ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है, 385 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दैट इज 7.4 होता है, ठीक है इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 386, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी, इनमें से किसका सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, थायराइड और पैराथायराइड, एड्रिनल और पिट्यूटरी, ठीक है 386 का क्या होगा, वो होगा थायराइड ग्लैंड बिगेस्ट होता है, ठीक है ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है।
ना अगला क्वेश्चन 387, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैमल, इनमें से लार्जेस्ट मैमल कौन सा है, फर्स्ट एलिफेंट, सेकेंड व्हेल, डायनासोर, राइनासोरस, दैट इज व्हेल, ठीक है, ऑप्शन टू जो है वो सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन 388, विच पार्ट बिकम्स मॉडिफाइड एज टस्क ऑफ एलिफेंट, कौन सा पार्ट जो है एलिफेंट में, वो जो टस्क जो होता है वो कौन सा पार्ट का मॉडिफाइड पार्ट है एलिफेंट में, टस्क जो सूंड है उसका, फर्स्ट कैनाइन, प्रीमोलर, सेकेंड इंसाइजर और मोलर. 388, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज सेकेंड इंसाइजर, ऑप्शन थ्री जो है वो सही है, ठीक है, ये इसका मॉडिफाइड पार्ट है टस्क इन एलिफेंट. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 389, द नोबल गैस यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज, कौन सा नोबल इनर्ट गैस यूज होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, वो रेडोन यूज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन फोर करेक्ट है. अगला क्वेश्चन देखते हैं 390, बीटी सीड इज एसोसिएटेड विद फर्स्ट राइस, वीट, कॉटन और वाइल्ड सीड, इट्स कॉटन, ठीक है, बीटी कॉटन, 390 का ऑप्शन ये थ्री करेक्ट होगा. अगला क्वेश्चन देखते हैं 391, बार्क ऑफ द ट्री इज यूज एज कॉन्डिमेंट, किसका बार्क, फर्स्ट सिनामोन, ग्लोव, नीम और पालम, इसका 391, वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स ए सिनामोन, ओके, दालचीनी, वन करेक्ट आंसर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 392, सालिवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फर्स्ट फैट्स, स्टार्च, प्रोटीन, विटामिन, किसके इनमें से किसके डाइजेशन में सालिवा जो होता है ना वो हेल्प करता है डाइजेशन में, तो वो स्टार्च, ऑप्शन टू इसका करेक्ट आंसर है. नाउ अगला क्वेश्चन नंबर 393, द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज, लॉन्गेस्ट बोन सबसे लंबा हड्डी ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, फर्स्ट उल्ना, फ्यूमरस, फीमूर और टीबिया, ओके 393, इसका क्या होगा, ये होता है फीमूर, ऑप्शन थ्री करेक्ट आंसर है. नाउ अगला क्वेश्चन है 394, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड, इनमें से सबसे छोटा बर्ड कौन सा है, फर्स्ट पिजन, पैरोट, हमिंग बर्ड और हाउस स्पैरो, इट्स ए हमिंग बर्ड, ओके ऑप्शन थ्री जो है वो सही है. अगला क्वेश्चन है इसमें देखिए, व्हाइट लंग डिजीज इज प्रीवेलेंट अमॉन्ग वर्कर्स ऑफ, किन में ज्यादा प्रीवेलेंट होता है व्हाइट लंग डिजीज जो होता है, इसमें फर्स्ट पेपर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, 395 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको ढूंढना है और इसके आप कमेंट में इसका आंसर कीजिए, क्या होता है, कौन है सही आंसर, वी विल चेक इट आउट देयर. चलिए तब तक अगला क्वेश्चन देखते हैं 396, नो आयोडोफॉर्म इज यूज्ड एज, किस तरह यूज होता है वो, एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है, ठीक है, ऑप्शन थ्री इसका करेक्ट है. अगला क्वेश्चन 397, द ऑप्टिमम डिसॉल्व ऑक्सीजन लेवल इन mg पर लीटर रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्विटिक ऑर्गेनिज्म, पानी में कितना ऑक्सीजन होना चाहिए mg पर लीटर जो कि उसके एक्विटिक प्लांट जो है ऑर्गेनिज्म है सर्वाइव कर सके पानी में, 397 दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4-6 mg पर लीटर, ऑप्शन फर्स्ट जो है उसका सही है, ठीक है. नाउ अगला क्वेश्चन है 398, एन एग्जांपल ऑफ फॉल्स फ्रूट इज, कौन सा, एप्पल, गुआवा, मैंगो, टोमेटो, 398 इट्स एप्पल, ऑप्शन फर्स्ट है वो सही है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल पर 100 ml ऑफ ब्लड इन मैन इज कितना है, वो होता है 80-100 mg, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 400, द वेक्टर ऑफ डिजीज स्लीपिंग सिकनेस इज, स्लीपिंग सिकनेस का वेक्टर कौन होता है, सैंड फ्लाई, हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, टेस्टेस फ्लाई, तो 400 इज ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, टेस्टेस फ्लाई, स्लीपिंग सिकनेस का ये कैरियर होते हैं ये फ्लाई, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 404, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैव द डायनासोर बीन एक्सटिंक्ट, कितने साल, अबाउट कितने साल पहले डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, अबाउट 65 मिलियन ईयर्स ओल्ड, ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 402, द फिनोमिनन डू बैट्स, व्हिच फिनोमिनन डू बैट्स और डॉल्फिन यूज टू फाइंड प्रे, ओके, प्रीडेटर्स और ऑब्स्टेकल्स, वो कौन सा फिनोमिना, फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, फॉर्मेशन ऑफ बीट्स, स्कैटरिंग ऑफ साउंड और इकोलोकेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये होता है इकोलोकेशन, ठीक है, ऑप्शन फोर इसका सही है 402 का. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 403, कॉड इज ए वेराइटी ऑफ बोट, फिश, क्रॉप और कोरल, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, वो फिश का वेराइटी है, सेकेंड ट्रू है. नाउ अगर 404, लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल प्लांट्स कैन बी ऑब्टेंड इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम थ्रू,
तो फर्स्ट 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 ऑप्शन है लार्ज नंबर ऑफ सीड्स ऑफ द सिंगल प्लांट, स्टेम कटिंग, टिश्यू कल्चरिंग टेक्निक और हाइड्रोपोनिक्स मेथड। तो 404 का इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इट्स अ टिश्यू कल्चर टेक्निक से। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट इज ओल्फिया लेमा एजोला फिकस, इंपॉर्टेंट वन, इट्स ए उल्फिया, दैट इज द स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट। ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट फॉर ल्यूकेमिया 406, ल्यूकेमिया और ब्लड कैंसर इज कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल इंक्रीज ऑफ क्या होता है, फर्स्ट रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, ब्लड प्लेटलेट्स और ब्लड प्लाज्मा। इट्स ए व्हाइट ब्लड सेल्स का एबनॉर्मल इंक्रीजमेंट, इंक्रीज हो जाते हैं, तो इसी कैरेक्टराइज इसका ये है, इंडिकेशन है, दैट इंडिकेट्स अबाउट द ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया। ओके, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 407, द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी इज कितना होता है, 206 होता है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 408, द पॉइजन ऑफ हनी बी इज, पॉइजन जो होता है हनी बी में वो क्या होता है, फर्स्ट एसिडिक, अल्कालीन, साल्टिस और प्रोटीन। 408, इट्स एसिडिक इन नेचर। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा इसके बाद क्वेश्चंस। सो होप आपको अच्छा लगा, कमेंट कीजिए अगर कुछ डाउट है, कुछ और टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसका पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो होप यू एंजॉय दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।